तो यहाँ घूमने के बाद फिर हम रिटर्न किए पूरी टाउन। और जब मतलब पूरी आते हैं तो पहले हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान जी का। तो इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वी हैव सम इश्यूज, पर अगर आप आते हैं पूरी सो प्लीज़ 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 पहले आप मंदिर जाइए, भगवान से मिलिए, आपको मन की शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। और प्लीज़ दिल से कहें जय जगन्नाथ, वो आपके सारे कष्ट दुख दर्द सब हर लेंगे। और ये रात का नज़ारा है, पूरी मार्केट बहुत बिजी रहता है हमेशा क्योंकि बाहर के लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। फिर ये रहा यहाँ का ट्रैफिक जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है उनका ट्रैफिक। और ये था नीलाद्री बीच, हम रूम वहाँ से आने के बाद चेंज करके बीच आ गए थे। यहाँ पर लगा हुआ है कि बोर्ड लगा हुआ है कि कितना बीच है, कितना दूर है यहाँ से। ये जगह बहुत साफ था और ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये वाला बीच। यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशंस वगैरह हुआ है, मतलब पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाए हैं। और ये प्लास्टिक से बना हुआ है टोटल, हम जो फेंकते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि कचरा वगैरह सब फेंकते हैं, तो उन्हीं से बनाया है इन लोगों ने। ये दिखा रहे हैं कि कुछ मत फेंको वरना इस तरह का कुछ आएगा जवाब मांगने की क्यों फेंकते हो। फिर यहाँ पर एक एसएसजी ग्रुप वालों ने एक चाय का स्टॉल दिया है, बहुत ही अच्छा है उनका चाय और डेकोरेशन। उस जगह वो जगह बहुत सुंदर था और चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब ऐसा लग रहा था इसी की कमी थी बस और कुछ नहीं। वैसे आई एम नॉट ए टी लवर, बट इस तरह का चाय हो तो लव हो ही जाएगा। फिर यहाँ से हम वापस निकल के चले गए मेन बीच की तरफ, जहाँ थोड़ा वॉक मतलब वो बीच के साइड वॉक और थोड़ा गाना सुनना मजा किया और जिंदगी के बारे में बातचीत किए, मतलब ये होगा वो होगा, थोड़ा बड़े लोगों से सब बात। फिर चलते चलते हमने किनारों में देखा बहुत सारा स्टारफिश, मतलब एक या दो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टारफिश था। फिर यहाँ से हम निकल के करने गए डिनर, जिसमें था रोटी और चिकन, बहुत ही टेस्टी था। फिर डिनर करने के बाद मैं चली गई केक खिलाने के लिए क्योंकि भैया का था बर्थडे, तो एक टेस्टी केक तो बनता ही है। ये मियो अमोरे है जो कि बीच के साइड का है, बहुत ही अच्छा सर्विसिंग है इनका, मतलब बहुत देर तक उन्होंने, मैंने कहा कि भैया हमको थोड़ा देर हो जाएगा आते आते लेने के लिए, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, और उन्होंने बिलीव नहीं करेंगे आप, एक घंटा लगभग वेट किया हमारे लिए। और 11:30 बजे तक हम रूम लौट आए क्योंकि हमने गाड़ी रेंट लिया था ना, तो उनको वो रिटर्न भी करना होता है। वो वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमको 10 बजे गाड़ी देना चाहिए था, पर हमने बोला कि हमको थोड़ा काम है, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम 11:30 बजे उनको गाड़ी रिटर्न की। फिर रात को केक कट किया, फिर 3:30 बजे हम स्टेशन चले आए क्योंकि हमको सुबह की पहली ट्रेन से घर वापस आना था, काम था। तो ये 3:30 बजे का नज़ारा है स्टेशन का, लोग बहुत लोग हैं, मतलब ऐसा लगने लगा कि 3 बजे हैं रात के, मतलब बहुत भीड़ है अभी भी।
सुबह के 10 बजे तक हम घर पहुंच गए। तो यहाँ इसी तरह हमारा सफ़र ख़त्म होता है। बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया मेरे को लग रहा है, पर बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।